हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस बेसिक टू एडवांस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां सीखेंगे। इसके लिए एक्सेल में जब भी कभी हम कोई भी न्यू फाइल लेते हैं तो उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, और जिस पर हम काम करते हैं उसको हम शीट्स बोलते हैं। ये शीट्स हमारी रो और कॉलम को मिलाने से बनती हैं। आप देखोगे आपके सामने जो ए बी और सी वाली लाइन है उसको हम कॉलम बोलते हैं, और जो 1, 2, 3 वाली जो लाइन शो हो रही है उसको हम रो बोलते हैं। इन रो और कॉलम को मिलाने से एक सेल बनता है, और इन सभी सेल्स को मिलाने से हमारी पूरी शीट बनती है। उसके बाद आप देखोगे आपके सामने जो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। दोस्तों, इसे टाइटल बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें हमारी फाइल का टाइटल शो कराता है, इसके लिए इसे टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद आप देखोगे इसके एक हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउन एरो का, जिसे हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का यूज किसी भी टूल को शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने इस न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद जब भी मुझे कभी कोई न्यू फाइल लेनी है तो उसके लिए मैं सिर्फ न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और हमारी एक न्यू फाइल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये हमें एक माइनस का बटन दिखाई दे रहा है, इसे हम मिनिमाइज कहते हैं। जब भी मुझे अपनी फाइल को मिनिमाइज करना है तो इसके लिए हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे और हमारी फाइल मिनिमाइज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज। रिस्टोर डाउन करके हम अपनी फाइल को साइज को कम कर सकते हैं, और वापस अगर हम रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल मैक्सिमाइज हो जाएगी। जब भी मैं कभी अपनी फाइल को क्लोज करना चाहता हूं तो मैं क्लोज बटन पे क्लिक करूंगा और हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये जो कट कॉपी पेस्ट और बोल्ड इटैलिक के जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनको हम टूल्स बोलते हैं। इन सभी टूल्स को मिलाकर एक हमारा ग्रुप बनता है जिसको हम टूल बार ग्रुप कहते हैं। जैसे ये हमारे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट, ये हमारे टूल बार ग्रुप हैं। उसके बाद नेक्स्ट होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये हमारे टैब्स होते हैं। उसके बाद इन सभी टूल बार ग्रुप को मिलाकर हमारा रिबन बनता है, और हम कभी अपने रिबन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम होम टैब पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। और हम रिबन को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम होम टैब पर वापस डबल क्लिक करेंगे, हमारा रिबन मैक्सिमाइज या फिर शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे आपको एक ऑप्शन D14 दिखाई दे रहा है, इसको हम जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। नेम बॉक्स का यूज किसी भी सेल का रेफरेंस देखने के लिए किया जाता है। जैसे मैं अपने कर्सर को नेम पर रखता हूं तो आप देखोगे इसमें A1 दिखाई दे रहा है, मतलब के ए मतलब ए कॉलम और 1 मतलब रो, यानी A1। तो इस तरह से हम अपने सेल का रेफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में हम अपने कोई भी वैल्यू या फिर फॉर्मूले को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये होता है हमारे शीट टैब्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3। जब भी हम कभी अपनी शीट चेंज करना चाहते हैं या फिर शीट 2 पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम शीट 2 पर क्लिक करेंगे, हम शीट 2 पर जा सकते हैं, या फिर 3 पर जाना चाहते हैं तो 3 पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम शीट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये अगर हमें अपनी कोई न्यू शीट लेनी है तो उसके लिए हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। आप देखोगे इसमें हमें एवरेज, काउंट और सम दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा स्टेटस बार होता है जिसमें हमें हमारी शीट में जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें स्टेटस बार में दिखाई देता है। उसके बाद ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। जब भी हम अपनी शीट में राइट की तरफ जाना चाहते हैं तो हम राइट स्क्रोल बार पर क्लिक करेंगे, या फिर राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम राइट की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, आप लेफ्ट में चले जाएंगे। उसके बाद ये होता है हमारा वर्टिकल स्क्रोल बार। हम डाउन की तरफ जाना चाहते हैं तो डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, और अप पे जाना चाहते हैं तो अप एरो पे क्लिक करेंगे, या फिर हम वर्टिकल स्क्रोल बार से भी एक साथ ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे ये होता है हमारे शीट के प्रीव्यू या फिर पेज व्यू। ये हमारा जो हमारी शीट है ये हमारी नॉर्मल पेज व्यू है। उसके बाद मैं चाहता हूँ पेज लेआउट पे जाना तो उसके लिए हम पेज लेआउट पे जाएंगे, ये हमारे पेज लेआउट का व्यू हो जाएगा। उसके बाद ये होता है हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो इस तरह से हम अपने शीट का प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा जूम। जूम क्या करता है? अगर मैं अपनी फाइल को जूम करना चाहता हूँ, जैसे मैं जूम इन करना चाहता हूँ तो प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, हमारी फाइल जूम इन हो जाएगी, और मैं जूम आउट करूंगा तो उसके लिए मैं माइनस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारी फाइल जूम आउट या फिर जूम इन हो जाएगी। दोस्तों, ये है एक्सेल की कुछ बेसिक जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ कि आपको एक्सेल की ये जानकारियाँ अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।